हे गाइस वेलकम बैक टू एक और ब्लॉग। सो गाइस परंदा ये एक और वीडियो लिया है। सो गाइस सब तो पहला तो ही सारे दी गुग्गा नौमी दी हार्दिक शुभकामनाएं, तो जिसे अस गुग्गा नौमी भी आखने। सो गाइस गुग्गा जी महाराज हुंदा अज जन्मदिन हुंदा, ते इसी रक्षाबंधन दे नौमे दिन मनाया जांदा। इस दिन एक गोगा जेडे गोगा जी महाराज है, इन्हें नीले घोड़े वाला भी आखे जाता है, क्योंकि वह नीले घोड़े उपर सवार होंगे है। और इनकी जी गिनती है पांच पीर बिच भी होंगी है, इन्हें त्रिशूल पीर भी इन्हें आखते हैं। तो यह जेडे गोगा जी महाराज जी है, इन्हें नागें के देवता भी कहा जाता है, कि अगर इनकी कोई सेवा करे अज के दिन इनकी भगती करे तो नागे को भी तुम बची सकने। तो तुम्हें पता है कि डोगरे में क्या होता है कि अज जो गुग्गा नौमी जिस गोगा जी महाराज का जन्मदिन जो जिस दिन होता है उस दिन साढ़े बाबा कालीवीर जी के बकरे भी लगते हैं। बड़े सारे लोग इस दिन चौकियां करते हैं, बकरे लगते हैं। साड़ी पूरी फैमिली अज ग्रां जाए करती है, उत्थे चौकी होनी है, देव देवता अज दिन बार मनाया जाता है। सारे जा रहे हैं, मम्मी पापा भी आ रहे हैं। भरा दंदा गड्डी च बैठी है और मेरे कहने देखो उधर कौन है, दादी का उधर देखो पसीना देख लो यार। आया सवेरे सवेरे टाइम है 8:30 होया करते हैं और गर्मी इन्नी ज्यादा हो गई है कि पूछो मत। कितनी गर्मी लग गई है? बड़ी लग गई। कितनी ज्यादा? ज्यादा ना गर्मी। आज तो कुछ जा रहे हैं साढ़े बावे का जागो ना, यहाँ समाप्त शैल जात्रा जोत्रा सोनिया सारे जीबे कठे होना असें परिवार। फाइनली मैं पुजी हाँ अपने ग्रां और तुसीं इधर बाबा जी के दर्शन कराना, क्योंकि ये आया है नवा नवा गै स्थान बनाया, लेकिन अगर अच्छी जगह जो मंदिर वह बनाना है, क्योंकि 5-6 महीने को इन्हें इनकी स्थापना की थे। तो तुस सारे दर्शन कर लो। जय बाबा जी की, यहो जय माँ बाबा वाली। इधर देख लो रोटी राटी बना कर दी है भैया, बना देना तो लंबल वाला काम भी चला था। इधर इधर भी चला था चौल दाल, इन्नी सवेल रोटी दाल चौल अंबल। भाई देख सकते हैं हमारा घर, और इधर देखो मम्मी झाड़ू लगाती हुई, क्योंकि साफ सफाई करना जरूरी है। बड़े दिनों बाद आए हैं हम इधर, देखो इधर देखो सो फाइनली गाइस प्रादम दा छत उपर आई है। और इधर देखो जिहड़े साडे ग्राम विच की होंदा कि सारे घर एक दूए नाल कनैक्टड होंदे, मतलब कन्नां नाल जुड़े होंदे, तो बड़ा अच्छा लगता है। इत्थे बड़ी गुड्डियां चाड़ी दियां गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे हलवा बन रहा है। और ये हमारे हलवाई जी। सो गाइस देख सकते हैं दाल चौल अंबल चल रहे हैं। चाचू देखो जम्मू से आए हैं, अंबल लेने आए। चाचा गाँव का अंबल जम्मू में नहीं मिलता। ये हमारी रहनी देखो, इधर देखो बांटी, जय माता दी। सो गाइज अभी हम जाने लगे हैं घर में, प्रसाद वगैरह ले लिया, थोड़ा सा सिर्फ हलवा ही लिया, ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। दाल चौल अंबल राजमारी खाई लेना। अभी हम नीचे वाले घर से तो आ गए। आज मेरा जो फ्रेंड है उसकी बेटी का बर्थडे है, मैं और मम्मा जाने लगे हैं बर्थडे पे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं वहाँ की रौनकें, क्योंकि उसने इनवाइट किया तो यार ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा, चाहे लेट ही पहुँचूंगा बट मैं आऊँगा। तो गाइज अभी चलो उसके पास लेके चलता हूँ उनके घर में। गाइज पहुँच चुके हैं लवली के घर में, और देखो पीछे केक वगैरह कटिंग हो गया, थोड़ा सा हम लेट हुए हैं, ठीक है थोड़ा बैठने को टाइम मिलेगा, नहीं तो शॉप से आता तो फिर यार बैठने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये हमारी बर्थडे गर्ल देखो कितनी क्यूट है, ये देखा मम्मा दे रही है इसको गिफ्ट, दो मम्मा इनको गिफ्ट कैसे पकड़ लिया, देखा इतना तो पता है इसको भाई गिफ्ट है। लो गाइस ये देखो ये कार्टून है। तो अभी खाना खुना, सो गाइस अभी खाना खुना हमने खा लिया, तो खाने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं खाई लेने सारे रिश्तेदार नट्ठी जाते, मैं क्या रोटी ने मेरे पास तो बचा दी है नहीं, लेकिन चलो रोटी ने मेरे तक खीर थोड़ी आई। तो गाइस अभी इधर देखो मेरे साथ भाभी है, ये है मेरा फ्रेंड लवली, दुखी करी उड़ता जल्द छुट्टी आता ना, इसी कोई तंग करने वास्ते लगता मियाँ लभना होना। ये हरी गुड़िया ये है बर्थडे गर्ल, इधर देखो क्या बोलोगे आप? मैं बस इतना बोलूंगी थैंक यू भैया हमारे घर पे आए बर्थडे पे, आंटी भी आए हैं, आंटी भी आए मतलब आंटी को कोई नहीं, पर अंटल आते और भी मजा आता, साथ में गोरी को ले आते बेचारा पूरी फैमिली। तो गाइस अभी देखो गोरी की डिमांड इधर भी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो क्योंकि भाभी जी बड़ी बार बोलते हैं यार उसको लेके आना, अच्छा लगा इधर आके सबसे मिले, रोटी रोटी खाई, अच्छा लगता है यार पूरे दिन शॉप पे बिजी रहना, लेकिन कभी कभी बाहर जाना चाहिए। छुट्टी आता है तो मेरे को बड़ा तंग करता है, आज लाइव रिपोर्टें दे रहा हूँ आपको मैं। भाभी आपको भी तंग करते हैं कैमरे अगर नहीं बोले यार, मम्मा आए थे, मम्मा खुश हो
बहुत मैं आपको पता आजकल मैंने ना खाना खुना शाम को कम कर दिया, नहीं तो बड़ा मोटा होता, लेकिन फिर भी उन भाभी जी ने जबरदस्ती खाना खुना डाल के खिला दिया उन्होंने। तो अभी गाइस जा रहे हैं घर में, तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इसी पूछ लाना है ये दिल च कोई गल रही नहीं आई पड़ास कढ़नी होवे ना सुना के बोलगा कोई पड़ास नहीं है फ्रेंड्स अभी ये देखो डोगरी बोली डोगरी 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 भाई लेट ही आया क्योंकि 1 बजे फंक्शन स्टार्ट होया ते 7:08 बजे आए तुस लगभग। तो गाइस आपने देखा कि आज गुग्गे नौमी थी साढ़े उधर भी बकरे लग गए हैं तो धाम उधर भी आई बकरे लग गए हैं दोस्त भी जरूरी ना दोस्त ने इसलिए आए हैं इसलिए दोपहर को आता है शॉप से फोन आते बार बार फिर देखो बेहतर है कि शामी आवे बंदा फ्री हो गया कुछ नहीं जाना हूँ खुश है ये खुश को खुश करना बड़ा जरूरी है। आ रहे घर में पापा अकेले हैं बाय बाय कर दो पाजी बाय कर दो बाय कर दो इसका नाम क्या है पालकी देखा कितनी स्वीट है दोनों पे गई है कमेंट करके बता देना। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं घर में और अभी सोने लगे हैं टाइम काफी ज्यादा हो चुका है तो आज की वीडियो रखते हैं इधर ही। कैसी लगी वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप बाबा जी को मानते हो तो एक लाइक उनके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय लव यू ऑल।